करती है तब से ये मरती है तब से, मैं भी इसे चोरी छुपे चाहता हूँ तब से। दिल में जिन्होंने छह दशकों तक, जी हाँ छह दशकों तक, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक गजब की पारी खेली है, जिनमें है इतनी मर्दों वाली बात कि द बर्निंग ट्रेन से लोगों को बचा ले, वो है द दिल का हीरा, द ओरिजिनल ही मैन, द करिश्मा कुदरत का पद्म भूषण, धर्मेंद्र सिंह देव। लव यू बेटे, दिल भी तेरा हम भी तेरे, सबके लिए। हंसते गाते नन्हे इन फरिश्तों की महफिल में आज फिर चला आया, सुरों में इनकी सुरें उसकी सुन लेता हूँ, मासूम सीरत में इनकी मूरत उसकी देख लेता हूँ। इस उम्र में ये हुनर, आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा, दुआएं देता हूँ जी भर के, जिस शोबे में जाओ जिंदगी में खूब फलो फलो। लव यू ऑल, लव यू। धर्म जी से हैंडसम कोई हो नहीं सकता, कोई ना हुआ है और ना ही होगा। ऊपर वाले का जो करिश्मा है, आपकी पर्सनालिटी देखकर धर्म जी कॉम्प्लेक्स होता है हमको कि ऐसी स्माइल होनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, आपसे जब पहली मुलाकात हुई थी तब आप यंग लग रहे थे, अब कुछ सालों बाद आप और भी ज्यादा यंग लग रहे हैं, राज क्या है सर? मैं इश्क, मेरा नाम है, हुस्न का दीवाना हूँ। कभी शम्मा कभी बुलबुल कभी परवाना हूँ, इश्क यही नहीं होता, इश्क भगत सिंह ने इश्क माँ से, भारत माँ से किया था, आज़ादी दिलवाई थी। तो एक पैशन होता है बेटे मुझे, आई लव कैमरा एंड कैमरा लव्स मी। क्या बात है, एंड वी ऑल लव यू सर, वी ऑल लव। बुलाते हैं आज के पहले कंटेस्टेंट, अब वो जिनकी वजह से पापा जी को मिल रहा है क्रेजी वुमेन से इतना लव, वो बिटिया विश्वजा जाधव, और इनके साथ आ रहे हैं वो जो मिक्सर की आवाज पे भी धर्म जी के डांसर का लेते हैं आनंद, प्रत्युष आनंद। गुड लक, थैंक यू सर। चाहे रहो तू, अच्छा गुड नाइट।
आलास काय उठ तुझ्या खर्राटाने दुनिया हल्ली क्या बात है सिंगर्स भी परफॉर्मर्स भी मल्टी टैलेंटेड हो आप लोग क्या बात है धर्म जी कैसा लगा सर बहुत प्यारे गाने हैं यार ये गुदगुदाती छेड़छाड़ बहुत टिकलशी थी बहुत ही सो गुड आई आल्सो एंजॉयड व्हाइल शूटिंग दीज सॉन्ग्स तनु से मेरी खास दोस्ती रही है शी वाज अफेक्शनेट टू मी आई कैन से के दोस्ती तो थी मेरी बहुत उस फैमिली से सामाज फैमिली से मैं उषा किरण एक बिल्डिंग है उस वक्त इन बॉम्बे की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी वहाँ मैं उनसे सिर्फ इसलिए मिलने जाता था कि उनकी दादी का परमिट था वो मुझे बोलती थी बा तो थोड़ा सा लेके मैं उनसे पैर छू के चला जाता था ये मेरी कुछ यादें हैं जो हमेशा एक प्यारी यादें हैं बहुत मेरे साथ हमेशा चलती रहेंगी और इन दोनों बच्चों ने बहुत बहुत अच्छा गाया बहुत ही आपने जान डाल दी है लॉट्स ऑफ लव एंड आई प्रे फॉर यू टू बी हायर एंड हायर एंड हायर परफॉर्मेंस इतना ग्रेट है तो सुपरस्टार नमस्ते तो होना चाहिए One, two, three, four. Dang da 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 आपकी टीम से अगला कौन है आदि भैया अभी मेरी टीम से जो आ रहे हैं हमारे ज्ञानी महापुरुष छोटे प्रभु प्रांजल आ हा 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 हमारे छोटे प्रभु हमें धन्य करने के लिए मंच पे पधारिए हो गया एहसास हश्र इस हकीकत पर मगर कि ये यकीन होता नहीं बढ़ा लिया है मैंने भी मादा है बर्दाश्त काटना ही पड़ता है वक्त जो गुजरता नहीं क्या बात है यार
इंतजार है
क्या बात है? मैं सच में एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे दिल में आई ये बात, अगर मैं लड़की होता ना तो मैं सच में आप पे दिल हार गया होता। क्या लग रहे हैं आप? माय गॉड, बहुत एंबैरस हो जा, सो स्वीट, जीते रहो, लेकिन आई स्टिल लव धर्मेंद्र, आई लव एवरीबॉडी। मोहब्बत में एक नशा है मुझे, इसीलिए मुझे मिल रही है। एक्टर तो आते हैं जाते हैं बड़े, मैंने वो बनने की कोशिश नहीं की, मैंने अच्छा कहलाने की बजाय अच्छा बनने की कोशिश की है। क्या बात है, और उसके बदले ये सब मिल रहा है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, आई एम एक्सट्रीमली लक्की। आई रिमेंबर माई पेरेंट्स, आई रिमेंबर हिम व्हेन यू ऑल से दिस टू मी। मैं तो हमेशा शीशे से कहता था यार मेरा नाग है ये, अपने में नक्श बहुत निकालता था मैं, अपनी फोटो फाड़ देता था, शूटिंग रश प्रिंट देखते थे यार इसको डब कर लो, इसको रीटेक कर लो। अब मैं वही देखता हूँ, लगता यार मैं ठीक था। आई थिंक मैन शुड लुक गुड। वो बिल्कुल सर, 50% तो वो जीत लेते, अच्छा हो बाकी जो गुण हैं आपके वो आगे ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस उम्र में ये हुनर, दुआएं देता हूँ इनको हमेशा, खूब फलें फूलें, बहुत दम है बच्चे में, ही कैन डू वंडर्स। ऋतुराज तेरा राज होगा, राज अभी भी है तो तू और राज करेगा। ऋतुराज बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छी जीत हुई आपकी।
साइशा, what a beautiful performance. और एक बार धर्म जी, उनकी फिल्मों और उनके गानों के लिए जोरदार तालियां हो जाए. सर, क्या फिल्में हैं, क्या गाने हैं. कैसा लगा आपको साइशा का परफॉर्मेंस? आत्मा भर दी बेटे अपने गाने में. गाने तो हैं खूबसूरत, उन गानों में भी आत्मा भर देना, उनमें भी रूप फोंक देना, ये भी कला है. और इस कला में आप बिल्कुल निपुण हैं.
मुझे जेन्युइनली लगता है कि किसी डॉक्टर ने तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट में बहुत बड़ा झोल कर दिया है कि तुम डेफिनेटली 17-18 साल की तो हो, 7 साल की तो तुम नहीं हो सकते। मम्मी जी ये 7 साल की है, 7 साल की बच्ची इतना सुर में सुरों की श्रुतियों के साथ करेक्ट वोकल एम्पलीफायर को अप डाउन करना, वॉल्यूम करेक्ट रखना, मॉड्यूलेशन करेक्ट करना, थ्रो करेक्ट करना, एक्सप्रेशन करेक्ट देना, परफेक्ट सुर लगाना और साथ में महसूस ना होने देना कि कोई एफर्ट के साथ गाना, वो सारी क्वालिटीज एक 7 साल के बच्चे में इम्पॉसिबल है, मैंने तो नहीं देखा। आउटस्टैंडिंग, बिग फैन, सुपर परफॉर्मेंस, हिस्टोरिक, माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सायशा, गुड लक। थैंक यू सर। क्या बात है, सायशा ने दुनिया हिला दी। धर्मेंद्र जी, मुझे आपसे हेल्प चाहिए कि मैं ना पवन भैया को बहुत टास्क्स देती हूँ कि जैसे डांस करना और थोड़ी बहुत एक्टिंग करना, पर उनसे होता नहीं और वो करते ही नहीं। तो मैंने आपके बहुत सारे डायलॉग सुने, तो क्या आप उन्हें थोड़े गुस्से वाले डायलॉग सिखाओगे? उन्हें गुस्से वाले चाहिए? हाँ। जो इस रियासत का कानून है, हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख, और मुझे चाहिए मेरी माँ के बदले माँ। ये जो सियासत का कानून है, ये जो जगजीत जी की गजल शुरू की है आपने, खून के बदले खून और हाथ के बदले हाथ और मेरी माँ के बदले माँ। आया फील आया, क्या बात है। साइशा, पवनू जी पास हुए हमारे, गुड गुड गुड। और अरुणिता, थोड़ा माचोपना आया कि नहीं हमारे पवनदीप में? धर्म जी, वी लव यू, आपके जैसा ना तो कोई था ना तो कोई होगा। मैं भी आपको रील में से निकाल लेता हूँ। रील में आता ना इंस्टाग्राम में, दो लाइनें भी होती हैं तो मैं रख लेता हूँ। वाह, सो गुड, क्या बात है, सो एक्सप्रेसिव, सो बहुत अच्छे, आवाज भी, सब भी, अंदाज भी, you're unique. Thank you so much. धर्म जी का एक डायलॉग है जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, बोलिए ना सर। वाकिफ नहीं तू मेरे जुनून से, नहला दूंगा मैं तुझे तेरे ही खून से। जमाने तेरे जोर से जोरावर हूँ मैं, जमाने तेरे जोर से जोरावर हूँ मैं, टकरा मत जाना, पाश पाश कर दूंगा मैं। कितना मजा आ रहा है आज धर्मेंद्र जी के साथ, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर आपकी एनर्जी अलग है। मैं आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ। जी सर। Yeah.
बहुत अच्छे। गाने का इतना जोश, कुर्सी टुकड़े टुकड़े हो गई है। कहीं इसका पांव है, कहीं इसकी टांग है, तोड़ दिया आप लोगों ने। अब दोनों जोड़ लो, अब जोड़ने में जो जल्दी जोड़ लेगा उसकी हो जाएगी। बहुत अच्छा है जी। मैं तो इस ये मेरा गाना रफी साहब ने हमें एक तोहफा दिया था, वो आज तक हम उसके साथ चल रहे हैं। मतलब 75-76 का गाना रफी साहब ने जान डाल दी। जो हमारे कोरियोग्राफर थे उनसे मैंने कहा आप मुझे करने दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो आप बताइए जो करना है। वो कुछ कहते थे 1 2 3 4 एक स्टेप ले लो। मैंने कहा अगर 2 स्टेप ले लूँ तो क्या है। और फिर जो मैं उसमें वो टैप डांस भी किया बहुत लेकर मैं खुल के किया, वो रिदम नहीं छोड़ी और कैरेक्टर नहीं छोड़ा। हो जाए तालियां। मैं जट यमला पगला दीवाना हूँ रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैंनु प्यार कर दी है, साढ़े बुटे वो मर दी है, के ओ मैंनु प्यार कर दी है, साढ़े बुटे वो मर दी है। मैं जट यमला पगला दीवाना हूँ रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैंनु प्यार कर दी है, साढ़े बुटे वो मर दी है। तालियां फॉर द लिविंग लेजेंड धर्मेंद्र जी सर, आपके जैसा कोई ना था ना है और ना होगा। लव यू सर। होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कमल, ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल। अरे अरे फैज, अरे ये गाना तुमने अधूरा क्यों गाया? आधा क्यों गाया भाई? बड़ी गहरी और आकर्षक आंखों वाली अरुणिता, अब आपकी टीम से कौन आ रहा है? अभी मेरी टीम से जो आने वाला है वो है मेरा पसंदीदा और पूरे दुनिया का जो फेवरेट है मोहम्मद फैज, और उसके साथ मैं आ रही हूँ। ओह माय गॉड, स्वयं आप। नहीं जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे, म
मौसम है सुहाना के जीना लगे का बुरा हाल है जब से जी लगाया तुझे जी में बसाया तेरे हो लिए जी का था ख्याल तो काहे जी लगाया मुझे जी में बसाया ए जी बोलिए अब काहे बेरंगत है दिल में मोहब्बत है क्या जिसमें औरत है बस जन्नत ही जन्नत है ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल अरे अरे फैज अरे ये गाना तुमने अधूरा क्यों गाया आधा क्यों गाया भाई सर आज मैंने आधा इसलिए गाया क्योंकि कल ड्रीम गर्ल खुद आने वाले हैं तो मैं उनके सामने गाना चाहता हूँ खूबसूरत से भी खूबसूरत बहुत खूबसूरत थैंक यू सो मच सर ड्रीम गर्ल की अगर बात हो रही है तो कुछ ऐसी कोई खास याद कोई ऐसा कोई किस्सा आप शेयर करना चाहेंगे कि जो मेरी यादें इतनी हैं जो मैंने बंद करके रख ली हैं दिल में कभी कभी निकाल के या सुन देख लेता हूँ सुन लेता हूँ यादें तो बहुत हैं बेटे यादों की बात आई है तो यादों की बारात हो जाए फौ धर्म जी हो जाए सर हो जाए यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे दिल के द्वारे दिल के द्वारे
मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं। सुनते आ रहे हैं कि ना आन फिल्म जब आपने देखी थी तो उसमें दिलीप साहब और प्रेमनाथ जी की आप एक्टिंग करते थे, ये सही बात है? मैं बाहर चला जाता था यार, दूर दूर कहीं कोई सुने ना। आन फिल्म रिलीज हुई थी दिलीप साहब की, मैं दीवाना था टूवी में, लवली फिल्म। तो बाहर जाके मैं इधर से दिलीप साहब के डायलॉग बोलता था और प्रेमनाथ के। बुज़दिल, अगर तुम्हारी तलवारों के लोहे को जंग खा गया है तो अपनी तोपों को भी आजमा लिए, और मैं अपने निहत्थे इंसानों के खून से तुम्हारी तोपों को तिनके की तरह बहा दूंगा। वाह, क्या बात है, इनक्रेडिबल। उसे प्रेमनाथ, चींटी की जब मौत आती है उसके पर निकल आते जाए तो ऐसा वो सब मैं। क्या बात है सर, Oh my God, incredible. लेकिन मैंने अपना स्टाइल लिया, अपना स्टाइल से नहीं, मैंने कभी किसी का स्टाइल नहीं लिया, धर्मेंद्र को नहीं जाने दिया। क्या बात है सर, सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए, मजा आ गया।
ही जानदार लगा, आपने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया और रफी साहब ने जो दिया है वो भी खूब दिया है और मैंने भी किया है अच्छा. इट वाज गुड सॉन्ग, आई एंजॉयड इट व्हाइल डूइंग इट. इवन जीनत वाज गुड विद मी. इसमें मैंने घुटनों पे डांस किया है शुरू में, देखना गाने पे. बिल्कुल सर, मैं देख रहा था यार मैं कर गया, जोश आ जाता है गाना देख के और रिदम भी आ जाती है. बहुत अच्छा बच्चो, रियली गुड, लव यू. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. धर्म सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ. जी बोलो. कि जैसे सबको कोई ना कोई निकनेम होता है, जैसे मेरे दादाजी मेरे को सोनू मोनू मतलब सारी मतलब बुलाते हैं, तो वैसे आपको क्या बुलाते थे? बेटे मेरी अजीब कहानी, मुझे सब धर्म ही कहते थे, गाँव में भी यहाँ भी. लेकिन मेरा नाम, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे और मेरी माँ ने मेरा नाम कुंवर धर्मेंद्र सिंह रखा था. क्या बात है, माँ को तो अपना बेटा कुंवर ही लगता है. तो मुझे लगा नाम लंबा है, तो टेंथ का एग्जाम दिया था मैंने तो केयर कर दिया मैंने, केयर धर्मेंद्र सिंह. तो वो यूनिवर्सिटी वालों ने जब मेरी सनद भेजी, उन्होंने समझा केयर मतलब कोई लड़की होगी, कुंवारी धर्मेंद्र सिंह. तो उसमें लिखा था के आर धर्मेंद्र सिंह डॉटर ऑफ श्री केवल कृष्ण. ये मैं उसको रखा भी सनत को काफी देर जी, बट नाम माँ ने कुंवर रखा था. वाह. तो माँ की शायद दुआएं थी जो उसने सोच के नाम रखा था. कुंवर तो उम्र तो नहीं हम, लेकिन कुछ तो हो गए. क्या बात है सर. फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.